ओके वेलकम बैक। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आज मैग्नेटिक सर्किट, है ना। मैग्नेटिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि मैग्नेटिक सर्किट को अगर आप नहीं जानेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका कमज़ोर होगा, पूरा मशीन कमज़ोर होने की गारंटी लेता हूँ अगर मैग्नेटिक सर्किट आपका अच्छा नहीं हुआ। और मैग्नेटिक सर्किट आपका अच्छा हुआ तो मैग्नेटिक सर्किट से बेसिक्स क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में आपके, उसके यूनिट्स देखने को मिलते हैं, कौन किसका एनालॉगी होता है ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है कि हमको ट्रांसफार्मर भी अच्छा हो जाएगा और साथ के साथ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम जान भी लेंगे और वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे डबल चीज़ें आपको पता चलता है। मैग्नेट के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो सबसे पहले आप मैग्नेट को देखते हो तो चुंबक आपको दिमाग में याद होता होगा, बचपन में खेलते थे। चुंबक होता था क्या कि ये अगर मैग्नेट है, चुंबक है सपोज दैट, तो उसमें एक आप देखते तो नहीं ऊपर, कहीं ना कहीं हमेशा डायपोल बनाते हैं, एक एन पोल तो दूसरा एस पोल। तो आप अगर दो चुंबक के टुकड़े को लेते थे तो कहीं ना कहीं फोर्स दिखता था ना, फोर्स कहीं एक साइड अट्रैक्ट कर लेता था, कहीं एक साइड रिपेल करता था, दूर भगाता था। तो एक तरीके का उसके अंदर क्या था, फोर्स था, है ना। यहीं पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स की डिस्कस होती है, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, फोर्स होता है। तो हमने बोला कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट देखने हैं तो मेन उन कौन कौन किन किन पैरामीटर को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है जिससे ट्रांसफार्मर हमारा बहुत अच्छा होगा, वो पैरामीटर है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स, परमिएबिलिटी एंड रिलक्टेंस। ये चार पैरामीटर को आपको जानना है, एनालॉगी और को भी जानना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके यूनिट पूछे जाते हैं, पर ट्रांसफार्मर को जानने के लिए इन चारों चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, ध्यान रखें। आप बोलिए MMF, नेक्स्ट आपका फ्लक्स, नेक्स्ट परमिएबिलिटी और नेक्स्ट हमारा होगा रिलक्टेंस। अब ये क्या है इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ये भी ध्यान में रहे, ये क्या है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब समझिए इसको एनालॉगी क्या कहता है, एनालॉगी क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉगी टू मैग्नेटिक सर्किट, इसका क्या मतलब होता है। यानी पहले हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं, आपको मैग्नेट कोई कहता है तो इसका मतलब देखिए दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक वो जो चुंबक आपने देखा अभी मैंने बताया चुंबक होता है, दूसरा वो जो चुंबकीय गुण उत्पन्न किए जाते हैं कुछ अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज करके, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यूज करके। तो मैंने यहाँ देखिए कह रहा है, बोला है कि मैग्नेट दो तरीके से डेवलप किए जाते हैं, एक वो जो चुंबक होता है परमानेंट मैग्नेट, इसमें एन पोल होते हैं और एस पोल होता है और हमेशा एन टू एस क्या निकलता है, फ्लक्स। इतना तो हम बचपन से जान रहे हैं कि एक मैग्नेट होता है और 10th 12th में भी अगर पढ़े हो तो आप ये जानते हो कि इससे निकलता है फ्लक्स जो हमेशा एन टू एस डायरेक्शन में जाता है, यानी यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है और एन से एस। लेकिन मटेरियल के अंदर हमेशा इनसाइड मटेरियल जो होता है लो इसके चुंबक में वो एस टू एन जाता है, लेकिन बाहर साइड से हमेशा एन टू एस जाता है। तो मैग्नेट एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैग्नेट का क्या है, सर्किट में आप ये जानते हो मैग्नेट इंडक्टर के बारे में, तो सर्किट थ्योरी से आपको इंडक्टर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे अगर इसमें करंट सप्लाई दिया जाए किसी क्वाइल में, किसी इंडक्टर में, यानी कोई तार हो लपेटा हुआ, इंडक्टर किसको कह रहे हैं, जो तार है लपेटा हुआ, आप पंखे का क्वाइल देखे हो, मोटर का क्वाइल देखे हो ना, उसमें अगर सप्लाई दिया जाए, यानी किसी क्वाइल में करंट सप्लाई दिया जाए तो ये भी निर्माण करता है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, यानी यहाँ भी डेवलप होता है एन पोल और एस पोल। अगर ये दो पोल बन गए, निर्माण हो गया यहाँ पे एन पोल एस पोल का, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ से भी क्या फ्लक्स उत्पन्न होगा ऑब्वियसली। तो एन पोल एस पोल जैसे ही जब तक करंट हम यहाँ पे देंगे, यहाँ एन पोल और एस पोल बना रहेगा, और एन पोल एस पोल बना रहेगा तो ऑब्वियसली इससे भी फ्लक्स निकलेगा और इससे भी फ्लक्स निकलेगा, एन टू एस फ्लक्स निकलेगा। यानी मैग्नेट बनाने के दो तरीके हैं, एक परमानेंट मैग्नेट प्राकृतिक जिसको हम मैन्युफैक्चर भी कर लेते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से जो मैग्नेट का निर्माण होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यह कहलाता है परमानेंट मैग्नेट। दो तरीके का मैग्नेट है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से जो मैग्नेट बनता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। क्यों? क्योंकि सप्लाई अगर खत्म कर दोगे, करंट यहां से रिमूव कर देंगे आप, तो यहां से क्या होगा, फील्ड बनना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बन गया तो इसकी लॉन्ग टर्म ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो होती है कुछ ऐसे गुण होते हैं, इसलिए परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया था। हम मटेरियल के बारे में डिस्कस आगे करेंगे तो उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। यानी दो तरीका यहाँ आपने सीख लिया, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रो मैग्नेट। अब एनालॉगी क्या होता है, हमने बोला एनालॉगी वो क्या होता है, समझिए यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट है, अच्छे समझिएगा।
जिस तरीके से हमने बोला कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट, ये जो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरा है मैग्नेटिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने बोला एनालॉगी वर्ड देखना, एग्जाम में बड़ा पूछता है, यहां से ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी टू मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले देखिए कहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे ईएमएफ यानी वोल्टेज होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में ईएमएफ होता है। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि अगर ईएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ईएमएफ का क्या मतलब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ का मतलब होता है वो हमेशा करंट को धकेलता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ का मतलब तो हमेशा करंट को धकेलता है। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में भी एमएमएफ क्या करता है? फ्लक्स को धकेलता है। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोलता है करंट, करंट क्या करता है? फ्लो करता है। करंट बेचारा क्या करता है? हमेशा वोल्टेज लगाते हैं तो किसी क्लोज पर सर्किट में करंट बहता है, वैसा ही उसके एनालॉगी होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स, फ्लक्स भी बहता है। यानी किसी ट्रांसफार्मर में यहाँ सप्लाई देता हूँ तो यहाँ से आप देखते हो फ्लक्स बहता है, आप बोलते हो फ्लक्स बहता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब फ्लक्स बहने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? किसी सर्किट में करंट का विरोध करता है कि भाई लिमिट में रहो। रेजिस्टेंस कहता है हम अगर ज़्यादा होंगे तो करंट कहता है हम घट जाएंगे, रेजिस्टेंस कहता है हम कम होंगे तो करंट क्या कहता है हम बढ़ जाएंगे। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में कहता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कहता है देखो मटेरियल की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी यानी रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उस परिपथ में फ्लक्स बेचारा कमजोर पड़ जाता है। अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स बेचारा स्ट्रांग हो जाता है ना, ये चीज़ें हैं। दूसरा इसकी कंडक्टिविटी इसकी परमिएबिलिटी के बराबर, इसका मतलब कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप ध्यान रहे, अगर आपका ये सिर्फ कमजोर है तो रेजिस्टिविटी, आप रेजिस्टेंस देख लें सर्किट थ्योरी का, वो लेक्चर देखेंगे तो ईएमएफ करंट रेजिस्टेंस ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होता है सब मैंने एक्सप्लेन किया है। रो इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, उसको बहुत अच्छे से अगर आप वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके यूनिट याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में बड़ा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? कहता है कंडक्टिविटी किसी मटेरियल जैसे कि सिल्वर में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिल्वर में सबसे बढ़िया करंट फ्लो करता है, इसका मतलब सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया है, लेकिन लोहा की कंडक्टिविटी उसकी तुलना में कम होती है। प्लास्टिक यूज करें तो बिल्कुल रेजिस्टिविटी इतना हाई होगा, कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगा, उससे करंट नहीं फ्लो होगा। तो यानी कंडक्टिविटी दिखाता है किसी मटेरियल की गुण, क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसमें करंट बहुत अच्छे से जा रहा है या बहुत कम से जा रहा है। तो कंडक्टिविटी हाई होना मतलब बहुत अच्छे से करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो जो ट्रांसफार्मर का जो कोर बता रहा था ना, कोर जो होता है वो परमेबिलिटी निर्धारित करता है। परमेबिलिटी हाई होना मतलब उसमें बहुत अच्छे से फ्लक्स गुजरेगा, और परमेबिलिटी कम होना इसका परमेबिलिटी हाई होना मतलब बहुत अच्छे से फ्लक्स गुजरेगा, और परमेबिलिटी कम होना मतलब फ्लक्स को बेचारा को गुजरने में दिक्कत होती है। जैसे ही रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का हाई होगा तो करंट कम होगा, वैसे ही परमेबिलिटी हाई होगा तो फ्लक्स बहुत अच्छे से गुजरेगा, और परमेबिलिटी कम होगा तो फ्लक्स अच्छे से नहीं गुजर पाएगा। इसका मतलब किसी मटेरियल पे भी निर्भर करता है फ्लक्स कितना अच्छे से गुजरेगा नहीं गुजरेगा। इसीलिए लोहा में, आयरन में, सिलिकॉन स्टील के अंदर फ्लक्स सबसे अच्छे बढ़िया तरीके से गुजरता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में कोर का यूज़ करते हैं, वो लोहा होता है, वहाँ पे हम कभी कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते। कॉपर तो इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल है, लेकिन फ्लक्स को गुजरने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल लोहा होता है, आयरन। क्लियर? तो फिलहाल अब हम इतने दूर की बात करेंगे, आगे इसका यूनिट आपको याद रखना है, बाकी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे ये यूनिट को समझने के लिए। इन चारों को अगर समझते हैं तो इसको और बढ़िया समझने का तरीका हमने यहाँ अपनाया है। देखिए क्या कहता है, जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है दूसरा मैग्नेटिक सर्किट है, तो कैसा रिलेशन है, एनालॉगी पढ़ने का क्या मतलब होता है, इसके एनालॉगी ये करने का क्या मतलब होता है। कहता है कि जिस तरीके से किसी सर्किट में अगर क्लोज पाथ रहे और वोल्टेज वहाँ पे लगा हो, यहाँ पे कोई वोल्टेज भी लगा हो, तो क्या होगा, ईएमएफ को ही वोल्टेज कहते हैं। जैसे क्लोज पाथ होगा, यहाँ मान लो स्विच है और क्लोज कर दिया, तो यानी क्लोज हो गया, तो सर्किट जैसे ही क्लोज होगा तो ईएमएफ धक्का हमेशा किसको देता है, देता तो इलेक्ट्रॉन्स को है, उसके कारण फ्लो इलेक्ट्रॉन्स करंट होता है, ठीक है ना। तो हमेशा बोलता है कि वोल्टेज के कारण करंट बेचारा धकेला जाता है, और ये करंट का मान कितना ज़्यादा और कम होगा वो निर्भर करता है उस परिपथ के रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस बेचारा ज़्यादा है उस परिपथ का तो करंट बेचारा कम होगा, अगर उस परिपथ का रेजिस्टेंस कम है तो करंट बेचारा ज़्यादा होगा। क्लियर है? यही ना होता है जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में V बराबर I इंटू R। क्लियर? तो यानी अगर करंट बराबर कोई पूछे तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध। क्लियर?
अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट को बेचारा कम होना पड़ेगा, जबकि वोल्टेज को नियत रहना पड़ता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे कह रहा है कि यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक सर्किट में चलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट क्या, तो मैग्नेटिक सर्किट में तो MMF है। MMF होता क्या सबसे पहले, तो देखिए MMF बनते कैसे हैं, बोलता है कि कोई वाइंडिंग में अगर आप करंट देंगे, किसी वाइंडिंग में जब आप करंट देंगे, कोई वाइंडिंग है जैसे ये था, इसमें करंट दिया तो बन जाता है MMF, यानी टर्नों की संख्या एन है और कितना करंट दे रहे हो, तो MMF ही होता है। किस पे निर्भर करता है, टर्नों की संख्या, करंट पे। यानी करंट किसी परिपथ में जितना ज्यादा देंगे, टर्नों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसका MMF उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक तरीके से इसका एनालॉगी है वोल्टेज का, ये धकेलने का काम किसको करता है, करंट का। उसी तरीके से अब इसमें जैसे ही करंट दोगे तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा, यानी पोल बन जाएगा, एन पोल एस पोल, तो इससे मैग्नेटिक में फ्लक्स निकलेंगे। अब ये फ्लक्स हवा से गुजरेगा नहीं, हवा से तब गुजरता है जब कोई माध्यम ना हो सामने, लेकिन जब कोई लोहा, यहाँ पे मान लो आयरन हमने रख दिया है लोहा, तो ये बेचारा इसको फॉलो करता, इसको, इस पाथ को, और फ्लक्स इस तरीके से गुजरता, ध्यान रहे। तो जिस तरीके से वोल्टेज धकेलता है करंट को, वैसे ही MMF धकेलता है किसको, फ्लक्स को। जिस तरीके से वोल्टेज धकेलता है करंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में MMF धकेलता फ्लक्स को। अब ये फ्लक्स बेचारा ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, ये निर्भर करता है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। ये मटेरियल जो लोहा है वो कैसा है, अगर ये लोहा आयरन का है, ये आयरन है अगर, तो ये सबसे बढ़िया फ्लक्स गुजरेगा। अगर ये लोहा है तो इसका रिलक्टेंस कम होता है, तो फ्लक्स बेचारा इससे ज्यादा गुजरेगा। अगर यही लोहे के जगह पे किसी ने तांबा यूज कर लेता, यहाँ पे कॉपर को यूज करता, तो कॉपर की रिलक्टेंस क्या होता है, ज्यादा, किसके तुलना में, लोहा के तुलना में, तो बेचारा फ्लक्स को क्या होना पड़ता है, कम होना पड़ता। तो फ्लक्स को गुजरने के लिए हमेशा माध्यम चाहिए, कोई माध्यम मिल गया तो उसको फॉलो कर लेता है, अगर कोई चीज नहीं है, बस आपने चुंबक रख दिया, तो हवा से भी गुजर जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ एक बात मैंने किया, आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा कि रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस किसी मटेरियल पर निर्भर करता है, रिलक्टेंस अगर लोहा है तो उसका रिलक्टेंस कम होता है, तो फ्लक्स ज़्यादा गुजरने देगा, लेकिन यही प्लास्टिक यूज कर लेते हैं तो उसका रिलक्टेंस हाई होता, वो फ्लक्स को गुजरने नहीं देता, फिर हवा में गुजरे या प्लास्टिक में गुजरे एक ही बात हो जाता, उसके लिए कोई माध्यम नहीं हो पाती, ठीक है ना। आई होप कि ये एनालॉगी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं एक फॉर्मूला के हिसाब से इसको बताऊंगा, R इजकल टू रो एल बाय ए या फिर I इजकल टू वी बटा आर, इसके तर्ज पे अभी कुछ बताऊंगा आपको, समझिए मैग्नेटिक सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रहे। अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं कि क्यों हमने पढ़ा मैग्नेटिक सर्किट, क्या रीज़न था इसको पढ़ने का, तो इसको पढ़ने के क्या रीज़न थे इसको हम देखते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने बोला इलेक्ट्रिकल के एनालॉगी मैग्नेटिक सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर में भी वही चीज़ होता है, हमने बोला ना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता तो बीच में मैग्नेटिक सर्किट आ गया। अब यहाँ से देखिए, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं यानी वोल्टेज, और यहाँ पे करंट देते हैं, जब वोल्टेज करंट देते हैं तो यही तब्दील हो जाता है किसमें, एन पोल में और एस पोल में, किसमें, एक एन पोल में और दूसरा एस पोल में। जैसे ही मैग्नेट बना, अब यहाँ से क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स। अब ये हवा को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ से नहीं गुजरता, यहाँ का फ्लक्स यहाँ से नहीं गुजरता, किस माध्यम को फॉलो करेगा, अगर ये लोहा का आयरन का बना है तो इसको फॉलो कर लेगा, है ना। अब देखिए जिस तरीके से करंट और वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे MMF, इससे क्या बना, MMF। MMF ही धकेलता है किसको, फ्लक्स को, और ये फ्लक्स सर्किट में क्लोज होके लूप बना लेता है। अब यही फ्लक्स इसको कट करता है तो यहाँ डेवलप हो जाता है EMF, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ट्रांसफार्मर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हर चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट देख रहे हो ना, कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट देने से उसके रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है करंट, वोल्टेज देने से उसके रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है करंट कितना निकलेगा, वैसे ही कहीं पे अगर मैग्नेटिक सर्किट है, MMF बन गया है, तो वो हमेशा धकेलता है किसको, फ्लक्स को, और उसका रिलक्टेंस होता है, इस कोर का रिलक्टेंस होगा, कोर का रिलक्टेंस डिपेंड करता है कितना है, ज़्यादा है तो मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये रिलक्टेंस हो गया, तो इस तरीके से रिलक्टेंस किसका होता है, किसी कोर का, आप समझिए बारीकी से। MMF क्या करता है, फ्लक्स को धकेलने का काम करता है, फ्लक्स क्या होता है, किसी माध्यम से गुजरने का काम करता है, अगर कोई माध्यम नहीं है तो बेचारा फ्लक्स हवा में से गुजर जाता है। रिलक्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, अगर रिलक्टेंस यानी अगर लोहा है तो बहुत अच्छे से फ्लक्स बेचारा गुजरता है, अगर वहां पे हम कॉपर यूज कर लेंगे तो अच्छे से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसीलिए
बेस्ट मटेरियल कॉपर नहीं होता, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, लोहा होता है बेस्ट मटेरियल फ्लक्स को गुजरने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं परमिएबिलिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो परमिएबिलिटी क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से, ध्यान रखें परमिएबिलिटी क्या होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर बेचारा कैसा है, कंडक्टर तो होते हैं बहुत सारे टाइप के, पर कंडक्टर कैसा है, कहने का मतलब अगर चांदी है तो बहुत अच्छा करंट फ्लो करेगा, अगर लोहा है तो कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसकी बढ़िया होती है, चांदी की, क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं बड़ा ज़्यादा, है ना। लेकिन यहाँ पे बात करें तो किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इसके रिलेटेड है। अब ये आई होप कि एनालॉगी का मतलब आप समझ चुके होंगे, है ना। हम इसका यूज, इस मैग्नेटिक सर्किट का यूज पूरे ट्रांसफार्मर में करेंगे। अब यहाँ जो इतना सारा चीज लिखा हो ना, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव बड़ा पूछे जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल लगा लो, ट्रांसफार्मर में भी यूज होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी हर जगह ये देखे जाते हैं। तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, तभी हमारा मैग्नेटिक सर्किट पूरा होगा, इसके लिए जितना हमको ट्रांसफार्मर में यूज है। ओके, तो हम इसको करते हैं एक बार एनालॉगी के तौर पे। चलिए हम एक कैसे याद रखें इसके फॉर्मूले सबको, उसका भी लॉजिक बताता हूं, बहुत अच्छे से याद रख लेंगे ये सब चीज को। एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बना के आपको दिमाग में रखना है किस तरीके से याद करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को, हम मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा कैसे याद करते हैं। देखिए रिलेशन देखिए, वोल्ट करेंट बराबर क्या होता है, करेंट बराबर आप देखते हो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, यानी EMF बटा रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ऐसा होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बराबर MMF बटा रिलक्टेंस होता है, या MMF क्या होता है, एम्पियर टर्न, NI बटा रिलक्टेंस होता है। कितना सिंपल है याद रखने के लिए फॉर्मूला, एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, इस पे ध्यान रहे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ये सब याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद भी रखने की जरूरत नहीं है। बताइए कौन बह रहा था इलेक्ट्रिकल सर्किट में, करेंट, तो मैग्नेटिक सर्किट में कौन बहता है, फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन धकेलता है करंट को, वोल्टेज, तो मैग्नेटिक सर्किट में कौन धकेलता है फ्लक्स को, MMF। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को कौन अपोज करता है, रिलक्टेंस, है ना। तो यहां से चीजों को देखिए कितना सिंपल है, यहां इसका करंट है तो इसका फ्लक्स है, तो कैसे याद रखेंगे, तो I बराबर EMF बाय रिलक्टेंस। तो यहां देखिए कैसे याद रखने का तरीका होगा, यहाँ EMF है तो यहाँ MMF, यहाँ करंट है तो यहाँ फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बहता है जी, करंट, तो उसका फॉर्मूला था EMF बटा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बहता है जी, फ्लक्स, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ करंट होता है तो यहाँ फ्लक्स होता है, यहाँ EMF होता है तो यहाँ MMF, EMF तो MMF, याद कितना रखना आसान है, सिमिलर दिख रहा है, यहाँ EMF तो वहाँ पे MMF, और यहाँ रेजिस्टेंस तो यहाँ रिलक्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस तो यहाँ पे रिलक्टेंस। तो कितना अच्छे से फॉर्मूला याद हो गया, इसका मतलब phi इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। कोई सूत्र फॉर्मूला पूछ देगा इसका कि फ्लक्स का और फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस का कोई बोलेगा, यहाँ फिलहाल तो मैं कर देता हूँ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का कोई यूनिट पूछता है एम्पियर टर्न पर वेबर, क्या पूछे होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर, इसका मतलब एम्पियर टर्न कट गया तो बचा क्या, वेबर, ऑब्वियसली फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर, है ना। तो रिलक्टेंस का तो होना ही चाहिए एम्पियर टर्न पर वेबर, ताकि वेबर बच जाए। चलिए हम अब यहाँ पे बहुत सारा चीज को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला याद करने में आई होप आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब बताते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई होप कि सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या है, एम्पियर यूनिट होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ओम होता है इसका इकाई, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, है ना, इसकी यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी रो से यूनिट का इसको करते हैं, और यहाँ ओम मीटर होता है इसका इकाई, कंडक्टेंस जी जिसको बोलते हैं, जो होता है सीमेंस या ओम मीटर का इनवर्स, है ना, ओम का इनवर्स, सॉरी ओम का इनवर्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम चर्चा करते हैं आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इसको। अब कुछ चीजों की चर्चा करते हैं, यहाँ पे इस सर्किट में मुझे नहीं लगता है कोई किसी को
दिक्कत होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, फिर भी किसी को दिक्कत है तो एक फॉर्मूला है बड़ा फेमस, R इजकल टू रो एल बटा ए, R इजकल टू रो बटा ए। ये किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वैलिड होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, R इजकल टू रो एल बाई ए, तो यही तो है रेजिस्टिविटी, है ना, यही तो है रेजिस्टेंस, यही तो है कंडक्टर का लेंथ, ये है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है किसके, कंडक्टिविटी का, ये किसका उल्टा होता है, कंडक्टिविटी का। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रेजिस्टिविटी जो उल्टा होता है कंडक्टिविटी, किसी कंडक्टर के कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी का किसी को यूनिट भी निकालना है, अगर रेजिस्टिविटी का किसी को यूनिट भी निकालना है तो यहीं से निकल के आता है ओम मीटर, आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा यहीं से निकल के आता है ओम मीटर, आप निकालिए यहाँ पे ओम एरिया, यहाँ पे बटर लेंथ अगर करोगे तो ओम मीटर आ जाता है। और तो ऑब्वियसली जब ओम मीटर आ जाता है तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वन बटा ओम मीटर, वन बटा ओम को लिखते हैं साइमन पर मीटर, इसीलिए इसका यूनिट कंडक्टिविटी का यूनिट ये होता है। रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी का यूनिट ये होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, इसका मतलब वन बटा ओम, और वन बटा ओम को साइमन अपन लिखते हैं, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है साइमन, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपके लिए एक एक चीज कर रहे हैं, आप बस एकदम संयम बरतिए और एक एक चीज को समझिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, हम कहीं से नहीं छोड़ेंगे मशीन एक एक पार्ट आपके दिमाग में बैठने से, ठीक है, बैठा के हम छोड़ेंगे, बस आप कंटिन्यू रखिए क्लास को। देखिए यहां से मैग्नेटिक सर्किट में MMF का यूनिट क्या होता है, MMF एम्पियर टर्न, ऑब्वियसली किसी वाइंडिंग में अपन करंट सप्लाई देते हैं तभी MMF डिजाइन होता है और टर्नों की संख्या होती है, इन दोनों का गुणनफल ही तो है MMF। अब ये क्या है, एक तरीके का मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जो धकेलता है किसको जी, फ्लक्स को, यही फ्लक्स को धकेलता है ना, तो एक फोर्स है जो धकेलता है ना, एन पोल एस पोल बना लेता है, फ्लक्स को धकेलने का काम करता है। तो MMF जो हुआ किस पे निर्भर करता है, टर्नों की संख्या कितनी होगी और उसमें कितना करंट जा रहा है, तो एम्पियर टर्न NI, तो इसका यूनिट इसीलिए बोलते हैं एम्पियर, चूंकि करंट जा रहा है और टर्न की संख्या इनटू टर्न, इसका यूनिट है, कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। फ्लक्स की इकाई वेबर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, तो फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है, आप सबको बोलना है फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है। चलिए यहां पे बात करता हूं रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस जो होता है वो एम्पियर टर्न पर वेबर कैसे हो गया, क्योंकि फ्लक्स का भी फॉर्मूला लिखाया था हमने MMF बटा रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस बराबर अगर लिखेंगे तो MMF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फाय, तो क्या हो गया एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय वेबर, एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय वेबर, तो इसका इकाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, परमिएबिलिटी क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा, परमिएबिलिटी के बारे में इसको अभी हम टाइम देंगे उसको, परमिएबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। परमिएबिलिटी के बाद रिलक्टिविटी है, ये होता है क्या, तो देखिए परमिएबिलिटी और रिलक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, और एक है परमिएंस, तो परमिएंस और इस सब में रिलेशन कैसा होता है, तो जिस तरीके से देखिए कंडक्टिविटी, यहाँ समझिएगा कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, उसी तरीके से परमिएबिलिटी का उल्टा होता है रिलक्टिविटी, परमिएबिलिटी का उल्टा क्या होता है रिलक्टिविटी, ध्यान से समझिए, जिस तरीके से कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, उसी तरीके से परमिएबिलिटी का उल्टा होता है रिलक्टिविटी, तो रिलेशन तो इन दोनों में पता चल गया ना, तब जब इसका यूनिट हेनरी पर मीटर है, हम परमिएबिलिटी को बताएंगे बहुत अच्छे से, पर जब इसका यूनिट अगर हेनरी पर मीटर है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर हेनरी, उलट जाएगा है ना, तो ये इसका उल्टा होता है। परमिएंस क्या होता है समझिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में परमिएंस
रिलक्टेंस का उल्टा होता है, मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस रिलक्टेंस का उल्टा होता है। इसका मतलब परमियंस को अगर एल से डिनोट किया जाए तो ये किसका उल्टा होता है, वन बटा रिलक्टेंस का। ये किसका उल्टा होता है, वन बटा रिलक्टेंस का। इसीलिए इसका परमियंस का यूनिट जो होता है, देखिए इसका जस्ट उल्टा है, रिलक्टेंस का यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, तो परमियंस का यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर टर्न। देखिए जस्ट उल्टा है ना। तो रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, रिलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा, और कुछ याद करने का है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का याद है, ये अपने आप बनता चला जाएगा हमारा। तो रिलेशन आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया इन दोनों का और इन दोनों का, है ना। तो यूनिट भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं परमिएबिलिटी की। बड़ा पूछा जाता है परमिएबिलिटी होता क्या है। तो जिस तरीके से कंडक्टिविटी होता है कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसा है, बहुत अच्छा कंडक्टर है तो बहुत बढ़िया करंट फ्लो करेगा, वैसे ही परमिएबिलिटी होता, पर इसके बारे में हम जानते हैं एक बार। We'll be right back.